देख रहे हो, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हमें भाई अपने खेत में, और यहाँ पर मैं लास्ट टाइम आपको दिखाया था इधर कि हमारा आलू बोआ रहा था उधर, तो आलू बोआ गया उधर। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया था धान की कटिंग बाकी है, तो भैया हम लोग सुबह को आए, सुबह भी नहीं बोल सकते भाई, 8 बजे आए। और 8 बजे आने के बाद अभी देखो यहाँ से ही कटाया, वहाँ से हम लोग धान काट रहे हैं और इधर तक धान काटे हैं, और अभी भी स्टिल काट रहे हैं भाई। और ये पूरा ख़त्म करने के बाद इसको पीटना भी है भाई, बहुत काम है। गांव में बोला मैं, गांव में इतना काम होता है ना कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। देखो ये है हंसुआ जिससे हम लोग धान की कटाई करते हैं, और इस तरीके से कुछ रोपा गया है तो यहाँ से हम लोग कटिंग करते हैं। देखो चीज़ में बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि उनको पता नहीं धान की रुपाई कैसे होती है, कटाई कहाँ होती है, चावल कहाँ से निकलता है। तो भाई देखो यहाँ पर धान जो है रोपा जाता है, रोपने के बाद काटा जाता है, फिर कटिंग के बाद मैंने आपको दिखाया लास्ट ब्लॉग में, अगर आपने देखा हो तो, ये जो धान निकलता है इसको कुटवाया जाता है मशीन से, और मशीन से कुटवाने के बाद चावल निकलता है। वो वीडियो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई। और ये देखो मम्मी लेके आई है खाने के लिए, उधर नमकीन है, और ये पानी भाई खोल रहा था ढक्कन, गिरा दिया क्या पानी इसमें कुछ नहीं। दिखाओ नमकीन, ये देखो भाई वो है खाने के लिए, और ये भैया बहुत ज़्यादा भूखा गए। हाँ भूख लग रही है। तो अभी खा लेते हैं, और उसके बाद अभी भाई बहुत ज़्यादा कटिंग करना है। टोटल जो है पता है कितना है, 6 बिस्सा है, 6 बिस्सा है, और जिसमें से 1 बिस्सा के आसपास तो आलू बोआ गया है, और ये 5 बिस्सा था। अभी थोड़ा सा हम लोगों ने 2 क्यारी कटिंग कराया, अभी 5-6 क्यारी बचा है भाई, तो उसको कटिंग करते हैं, ठीक है। बाकी यही है गांव का कल्चर भाई, ये सब देख रहे हो, गांव पे आने के बाद ये सब करना ही है, चाहे आप कितने अमीर हो, गाँव के जितने लोग हैं भाई, कितने पैसे वाले हों, सबको काम करना है। खेत का काम सभी लोग करते हैं, मैक्स टू मैक्स करते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो नहीं करते हैं। एक स्पेशल चीज़ देखो गांव पे जो चिड़िया, देखो सिटी में तो कम ही देखने को मिलती है, ये देखो आके धान चुग रही हैं, खा रही हैं भोजन, वो भी कर रही हैं और हम भी कर रहे हैं बैठ के। देखो यहाँ से हम लोग काट रहे थे उधर से, और यहाँ तक हो गया, अब बस थोड़ा सा ही बचा है, यहाँ से उतना ही बचा है। अब धूप भी हो गया, 11 बजने वाले हैं, 10:30 हो गए हैं, अप्रॉक्स 10:30 हो गए, इसलिए अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि खाना भी खाना है भाई, अभी तक वैसे ही हैं, तो घर जाकर खाना खाएंगे। उसके बाद ये जो है अब कल शायद काटेंगे हम लोग, इसकी कल कटिंग होगी, और अभी इसका बोझा बनाएंगे और इसको घर लेके जाएंगे, क्योंकि इसको फिर पीटना भी है ना, पता है काम बहुत रहता है भाई, ठीक है। ये देखो क्या कर रहे हो, ये बोझा बन गया है लेके जाने के लिए घर, क्योंकि चूरा कुटवाना है, बोझा बन गया है। देखो छोटा सा है लेकिन बहुत वजन है भाई। छोटा सा है बहुत वजन है, और इसे अब घर लेके जाएंगे, क्योंकि चूरा कुटवाना है, उसके लिए इसको पीटना पड़ेगा, और घर लेके जाके पीटेंगे, आज नहीं शाम तक शायद, क्योंकि अभी तो भाई वैसे भी 11 बजने वाला है, 10:30 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है भाई दूसरा दिन, और फिर देखो खेत में आ गए हैं, और जो वो वाला पहले वाला खेत हमने काटा था ना, उसकी कटिंग हो चुकी है, जो कि देखो ये यहाँ पर है, देखो ये वाला जो खेत है ना इधर इधर, ये कटिंग हमने करा था, और उस धान अभी उधर ही है, और अभी आ गए हम लोग दूसरे वाले खेत में, जहाँ पर ये वाला अभी बाकी था काटने के लिए। और यहाँ पर भाई देख रहे हो खर कितना है, ये देखो धान का कुछ पता ही नहीं चल रहा, वो वाले खेत में तो पता भी चल रहा था, इस वाले खेत में पता नहीं चल रहा, और ये देखो कटिंग हो रही है, मशीन आई होती तो मशीन से कटा गया होता भाई, देख रहे हो ये है गाँव, गाँव का भाई ऐसा ही कुछ है। और ये देखो ये पूरा हमारे आगे का सीन है, और ये जो है ना ये इसको हम लोग ताल बोलते हैं, थोड़ा सा आगे ताल है, और यहाँ पर पानी बारिश जब होता है पूरा पानी लगा रहता है, अभी तो फिलहाल भाई पूरा लगता है कि सूख गया। अगर आप थोड़ा सा आगे देखोगे ना, ये देखो ये पॉइंट से यहाँ पर देखो ये वाला जो है ये पूरा ताल का एरिया है, धान यहीं तक है, उसके बाद जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना यहाँ तक ही धान है, उसके बाद वो ताल शुरू हो जाता है, तो ताल का व्यू आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो
तो ये है भाई अपने इधर का ताल गांव का, बहुत बड़ा है। पानी जब जब बारिश होती है ना तो गांव के जो गांव के पास तक पूरा पानी पहुंच जाता है, गांव के एकदम आसपास तक पानी रहता है। गांव में नहीं कभी पानी पहुंचा, गांव के आसपास तक पानी पहुंच जाता है बारिश के मौसम में, ठीक है। और ये देखो ये मशीन से पूरा इधर हम लोग मशीन से कटवा दिए थे, ये कच्चा था इसलिए छूट गया था, और अभी भी ये कटिंग हो रहा है। कटा गया भाई देखो, ख़त्म, थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था। अब जा रहे हैं घर। और ये देखो जो दौरी हुआ है ना धान का, देखो इधर पूरा सबके खेत खेत में पड़ा है, और सभी लोग यहाँ पर दौरी मतलब आग लगा दिए भाई। आग लगाने के बाद पूरा राख बचा है, खाद बन जाएगा सब। चलते हैं घर, अब घर जा रहे हैं। 10:13 हो रहा है, 10:30 होने वाला है भाई। मॉर्निंग गाइस, देख रहे हो फिर से आ गए खेत आलू बोने के लिए, गांव से निकले। और ये देखो हम लोग का आलू थोड़ा सा कम पड़ गया था, देखो आगे देखोगे तो आलू कम पड़ गया था, इसलिए आलू आया कल और फिर से वो आएगा भाई। और आज जो है धान कुटाई भी होगा, धान कुटाएगा और वो आएगा। ये देखो खेत अपना, अभी भाई आलू उलू बोने के बाद ये पूरा जो हमने धान का कटिंग करा था इधर देखो, इधर ला के हमने रख दिया है। और अब डौरी को हमने बुलाया है, तो डौरी आने के बाद एक देखोगे तो एक उधर जो कूड़ा एक रखा है ना, ये देखो यहाँ पर इसको डालना है, और ये एक जो है हमारा है, तो इन दोनों की डौरी होगी। कैसे होती है, कैसे धान निकलेगा, वो सब कुछ दिखाएंगे। धान जो है ना भाई देखो इसके अंदर ही सबका धान पड़ा है, देखो ये धान है सब दिख रहा है जो येलो कलर का। और जैसे दौरी आती है दवाता है, क्या प्रोसीजर है सब कुछ दिखाऊंगा, कैसे दौरी होती है भाई गांव में। तो वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको आइडिया लग सके, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं भाई बुआ के यहाँ, क्योंकि एक गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाली है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और आज जो हमारा प्लान था ना धान कुटवाने का है, तो वो कुटाया नहीं, अरे सॉरी दौरी दवाने का है, धान हमने रखा था तो ट्रैक्टर आया नहीं, कल आने के लिए बोल रहा है, तो वो हमने काम करा नहीं। तो अभी जा रहे हैं बुआ के यहाँ, गुड न्यूज़ है भाई आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये देखो गाड़ी इधर बाहर रखा है, और हम लोग अभी निकल रहे हैं, पावर बैंक लगा कर रखा है, क्योंकि गांव में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और लाइट आती नहीं है गांव पे, इसलिए पावर बैंक कैरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चल शांत है, कुछ बोल नहीं रहा इसे, अभी रो तो ना बन तो रात ही तब रोवा देगा, मत रोवा, अरे रहता अखिया में कहाँ डालत हो अभी तो एक दिन भर एक दिन ना पूरा बोल। तो मैं बुआ के यहाँ आ गया था, और यहाँ पर बुआ के पत्तो हैं, मींस मेरी भाभी लगेंगी, उनको लड़का हुआ था, तो हम लोग वही देखने गए थे हॉस्पिटल। तो ये है भाई, अभी एक दिन भी नहीं हुआ, छोटा सा बच्चा, क्यूट सा। तो यही था स्पेशल गुड न्यूज़ जो मैं आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में, यही है। तो फिलहाल आज की इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं कल किसी और नए ब्लॉग में, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं भाई कल के वीडियो में।